हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईपीएल के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, और उसमें हमने दो ऐप्स के बारे में बताया है जिसकी सहायता से आप आईपीएल के सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो। अब हम बात करेंगे आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, बहुत जल्द Xiaomi स्मार्टफोन के दुनिया का फर्स्ट पॉपअप ड्रोन कैमरा फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जिसमें 200 मेगापिक्सल का दो कैमरा लेंस दिया है। यह ड्रोन कैमरा हवा में उड़कर रेड के रिकॉर्डिंग कर सकता है और उसी के साथ DSLR जैसे फोटो भी कैप्चर कर सकता है। इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है तथा इसमें स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट दिया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और इसमें हम PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम अल्ट्रा रेजोल्यूशन में बहुत ही स्मूथली खेल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के फर्स्ट फ्लाइंग ड्रोन कैमरा फ़ोन के बारे में, जैसे कि इसके प्राइस के बारे में, इसके ड्रोन कैमरा के बारे में, इसके सारे फीचर्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में, और इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि कितना देर तक यह ड्रोन कैमरा हवा में उड़ सकता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस फोन में हमें 6.7 इंच का FHD प्लस सुपर एमोल डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ सपोर्ट करता है, और साथ ही यह HDR10 को भी सपोर्ट करता है। इसमें सेल्फी के लिए अलग से कैमरा नहीं दिया है और ड्रोन कैमरा को थोड़ा सा बाहर निकाल कर ही आप सेल्फी ले पाएंगे। फ़ोन के बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरा लेंस दिया गया है जिसका मेन प्राइमरी लेंस 200 मेगापिक्सल का है, और साथ में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर तथा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी दिया गया है। इसमें हमें अल्ट्रा वाइड एंगल का कोई लेंस नहीं दिया गया है, लेकिन ड्रोन को हवा में उड़ाकर आप अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर सकते हैं। ड्रोन फुल चार्ज होने पर 15 से 20 मिनट तक उड़ सकता है, और इसको चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि जब तक फ़ोन में यह ड्रोन कैमरा रहेगा वह चार्ज होता रहेगा। दोस्तों, इसमें हमें कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 5G को सपोर्ट करता है, और यह काफ़ी पावरफुल दिया गया है। इससे आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम जैसे कि PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी को अल्ट्रा रेजोल्यूशन में काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। यह फ़ोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है। फर्स्ट वेरिएंट में आपको 8GB का रैम मिलता है और 120GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और सेकंड वेरिएंट में हमें 12GB का रैम मिलता है और 200GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। दोस्तों, इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। कुछ टाइम पहले वीवो ने भी इसी तरह के फ़ोन का पेटेंट किया था, और अब Xiaomi भी इस तरह का फ़ोन बनाना चाहती है। इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, और इसके बैक साइड में MI का लोगो दिया है, और इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है। इसके राइट साइड में वॉल्यूम एंड पावर का बटन दिया है तथा लेफ्ट साइड में सिम का ट्रे भी दिया हुआ है। दोस्तों, यह फोन December 2022 में लॉन्च हो सकता है, और इसका प्राइस 40,000 to 50,000 के बीच बताया जा रहा है, और यह प्राइस वेरी भी हो सकता है। दोस्तों, इवन तो यह फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ, बट इसका सैम्पल पीस मेरे पास आ चुका है। अगर आप यह फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।